हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टू। सो बात करेंगे एक नए सेल के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सेल को कहा जाता है निकल कैडमियम बैटरी। ये निकल कैडमियम बैटरी बहुत फेमस हो रही है और ये बैटरी ने लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को भी ओवरटेक कर लिया है फेम के मैटर में, क्योंकि छोटी है, पोर्टेबल है, कंपेटेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, स्टोर कर सकते हो, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, छोटे टॉयज़ में, और इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है कैलकुलेटर्स में और बहुत सारी जगहों पर निकल कैडमियम बैटरी का आजकल यूज़ हो रहा है। तो ये पॉपुलैरिटी के मैटर में लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, जो हमारा एक एसिड बैटरी था, उसको भी पीछे छोड़ रहा है। तो इसको यूज़ किया गया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? सर, एक्चुअली में आप अगर एक निकल कैडमियम बैटरी को देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये कंस्ट्रक्शन आप जैसे जैसे आप जाते जाओगे एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन आपका वैसा वैसा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं ये लिथियम आयन बैटरी के साथ रिलेटेड है, यानी द वे इट इज पैक्ड, या जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, छोटा सा कॉम्पैक्ट। तो इसको बनाया इस तरीके से जाता है कि सपोज करो मेरे पास एक इनर्ट हम मेटल लेते हैं, कोई भी एक चीज जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और उसके बाद में हम कैडमियम लेते हैं और कैडमियम का लाइक फॉइल जैसा बना के इसके आजू बाजू में हम उसको रोल करते हैं। ना जब मैंने एक लेयर कैडमियम का रोल किया तो उसके बाद में एक सेपरेटर रखता हूं। एक सेपरेटर एक ऐसी चीज होती है जो दो चीजों को सेपरेट करने का काम करेगी, एक कपड़े की तरह हो सकती है। हम लोगों ने ड्राई सेल में भी देखा था सेपरेटर क्या होता है, जो निकल जिंक को और आपके अंदर के मटेरियल को सेपरेट करने का काम करता है। आप उस सेपरेटर को लो, उसको पानी में भिगो के, और उस पानी में KOH का या NaOH का सोल्यूशन होना चाहिए, उसमें भिगो के लाओ और उसके आजू बाजू उसको रोल कर दो। तो इट जस्ट लाइक पहला जो रोल होगा वो कैडमियम का होगा, उसके बाद जो सेकंड, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, सपोज आई हैव गॉट मल्टीपल पेपर्स, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, तो जो पहला पेपर है वो किसका होगा? कैडमियम का। जो दूसरा पेपर मेरे पास होगा वो सेपरेटर होगा, और जो तीसरा पेपर मेरे पास होगा वो निकल ऑक्साइड, जहां पे निकल विल बी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इन तीन पेपर्स को लो, और आप यहां पे तीन पेपर्स को लेने के बाद आप अपने मेटल को यहां पे लगाओ, और इसको लगाने के बाद इसको रोल करना स्टार्ट करो। जब आप इसको इस तरीके से रोल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज मिलेगी, और वो जो कॉम्पैक्ट चीज आपको मिलती है, दैट्स कॉल्ड एज निकल कैडमियम बैटरी। तो आपका निकल कैडमियम बैटरी का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास जो पहली लेयर होगी वो आपकी होगी, आपका आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहला लेयर रखा है आपका निकल ऑक्साइड का, फिर मैंने सेपरेटर डाला है, और फिर मैंने किसको रखा हुआ है? कैडमियम का। याद रखना, कैडमियम और निकल ऑक्साइड की लेयर के बीच में सेपरेटर होगा जो कि मॉइस्ट होगा, जिसको अपने पानी में डिसॉल्व करके KOH और NaOH में डिसॉल्व करके बनाया है। दैट्स इट, ये काम हो गया। आपका कैडमियम जो है वो एनोड का काम करेगा, इट विल बी वर्किंग एज योर एनोड, और आपका जो निकल ऑक्साइड का लेयर है इट विल बी वर्किंग एज योर कैथोड। और सिंस आपने उसको सेपरेट करके रखा है, और आपके बीच में KOH जो है वो OH सप्लाई करने का काम करेगा, जस्ट लाइक आपने फ्यूल सेल में पढ़ा था, आप वहाँ KOH यूज करते हो जो OH माइनस आयन सप्लाई करने का काम करता है। तो रिएक्शंस क्या होंगे? सर, पहला जो रिएक्शन होगा, लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यानी यहाँ पे ये एनोड का काम करेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैडमियम जो कि सॉलिड है विल रिएक्ट विद 2 times OH माइनस, क्योंकि आपने यहाँ पर OH माइनस को रखा हुआ है, क्योंकि मॉइस्ट है और इसमें इवन वाटर भी है, तो OH माइनस कैडमियम के साथ रिएक्ट करेगा, और कैडमियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आपने कनेक्शन ऐसा किया होता है कि यहां से एक चीज निकली है और यहां से एक चीज निकली, और बीच में आप बल्ब को लगा सकते हो, दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। और उसके बाद आप जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे और निकल ऑक्साइड के यहां पर आके जमा होंगे। वहां पे समवन शुड विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, तो वाटर और निकल ऑक्साइड दैट इज NiO2 विल रिएक्ट विद दिस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे और मुझे वापस से 4 OH- वापस दे देंगे। व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी आपका निकल ऑक्साइड होगा, आपका निकल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और आपको 2 times OH- वापस से मिल जाएंगे। तो आपके 2 times OH- यूज हुए थे, आपके 2 times OH- वापस मिल गए। द ओनली प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ओवरऑल रिएक्शन मेरा ये हो जाएगा। देखो, कुछ कैंसिल होता है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, 2 OH- कैंसिल होगा, आपका कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस 2 times H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, एंड दैट्स ऑल। यही आपका रिएक्शन होता है। सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सेल है, इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है, वेरियस जगहों पे आजकल इसका यूज किया जा रहा है। स्वीट एंड स्मॉल टॉपिक, मुझे उम्मीद है समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.